भारत और कनाडा में चल रहे विवाद के बीच कनाडा में एक बड़े गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है, जिसका नाम है सुखदूल सिंह उर्फ सुखा। इसे मारने वाला कोई और नहीं, बिश्नोई गैंग है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह दावा किया है कि उन्होंने सुखा की हत्या की है। लॉरेंस बिश्नोई के एक फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया, जिसमें कनाडा में हुई हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। इसके साथ ही इस पोस्ट में और गैंगस्टरों की भी धमकी दी गई और कहा गया कि जहां मर्जी भाग ले, उन्हें पापों की सजा जरूर मिलेगी। इस फेसबुक पोस्ट में कहा गया है, हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम। ये सुखा दुनेके के बिम्बिहा ग्रुप के जो इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए और पैसे के लिए बहुत घर उजाड़े हैं। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिथुखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया है। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा उसे मिल गई है। बस एक बात कहनी है, जो दुखियां टिक्कियां अभी भी बाहर रह गई है, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, मत सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन सजा सबको मिलेगी। आपको बता दें कि पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे ए कैटेगरी के गैंगस्टर सुखदूल सिंह और सुखा दुनेकू की गुरुवार को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी सुखा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था और NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल भी था। हाल ही में 9 खालिस्तानी आतंकी और कुख्यात गैंगस्टरों के नाम सामने आए थे, जिनमें सुखा का नाम भी शामिल था। इसके अलावा और जो नाम भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हैं, वो हैं गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतवीर सिंह वॉरिंग उर्फ सैम, स्नोवर ढिल्लन, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बेहला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गगनदीप सिंह उर्फ गगना हटूर। आपको बता दें कि इस साल खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कनाडा के PM ट्रूडो ने इसमें भारत का हाथ बताया है।